तू चल मेरे साथ। अच्छा देखो अब मेरी मदद करो, इतने सारे पैकेट खोलने, मैं अकेली कैसे खोलूंगी, सोने का सिक्का मिलेगा, क्या पता हमारी किस्मत में दो दो सिक्के मिल जाएं। अरे आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक इन्होंने कभी मेरी कोई मदद नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगी। आज खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन माँ तो उमर की पहली कमाई, आप इसे क्यों? फीस ना भरने के कारण बच्चों के नाम स्कूल से कट जाए, इससे अमर को बहुत दुख होगा। सोचेगा कैसी माँ है मेरी, मेरी पहली कमाई के रुपए अब तक संभाल के रखे हैं और बच्चों के नाम स्कूल से कटते हुए देखती रहेगी। ले माँ, आपने अपने बारे में तो सोच लिया, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि अगर ये पैसे मैंने आपसे ले लिए तो अमर मुझसे कितना नाराज होंगे? देखो जरा, मेरे बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रही, पढ़ी लिखी है लेकिन घर में बैठी हुई है, नौकरी करने की बजाय माँ को दी हुई पहली कमाई भी ले ली। नहीं माँ, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन तू करेगी क्या? नौकरी क्या पेड़ पे लगी रहती है? क्या गारंटी कि तुझे कोई नौकरी मिल ही जाएगी? मिलेगी माँ, मुझे ढूंढनी ही होगी, आखिर नन्नी और अद्दू के भविष्य का सवाल है। जानती हूँ तू उनकी माँ है, हमसे ज्यादा फिक्र है तुझे उनकी, लेकिन तू नौकरी करेगी, पूरा दिन घर से बाहर रहेगी तो अपने बच्चों की सही परवरिश कैसे कर पाएगी? मैं जानती हूँ माँ कि बच्चों को मेरी कितनी जरूरत है और इसीलिए उनके अच्छे भविष्य के लिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पता था मुझे तू नहीं सुनेगी मेरी। चीची बुआ, पर मेरा मन नहीं है इस साल कंपटीशन में पार्ट लेने का। नन्नी ये देख तेरी पुरानी स्कर्ट, मैंने एकदम नई बना दी, कैसी लग रही है अब? चीची बुआ स्कर्ट बहुत सुंदर है लेकिन वो मुझे। लेकिन क्या नन्नी, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? मेघा अब तू ही इसे समझ। क्या हुआ, तुम फैंसी ड्रेस में पार्ट क्यों नहीं लेना चाहती हो और तुमने कंपटीशन के बारे में भी नहीं बताया? देखो जीजी बुआ ने कितनी अच्छी स्कर्ट बनाई है तुम्हारे लिए। हाँ? क्या हुआ बच्चा, बोलो ना। मम्मी फैंसी ड्रेस के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग है ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। हाँ? कम पैसों में बेहतरीन ड्रेस, जीजी बुआ टेलर नन्नी प्रिंसेस की सेवा में हाजिर है। मम्मी, सब लोग बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रहे हैं, कोई सिंड्रेला बन रहा है तो कोई बारबी, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। जीतने के लिए पार्टिसिपेट करोगी तो हमेशा हारने का डर रहेगा, हम तो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हमें फैंसी ड्रेस पसंद है। हम पूरी जान लगा देंगे, फिर हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है, कम से कम फैंसी ड्रेस एंजॉय तो करेंगे ना, और नहीं तो क्या। और पता है सिंड्रेला और बारबी तो हर कोई बनता है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारी बिटिया सबसे अलग लगे। मैं क्या बनूंगी? तुम वो बनोगी जो फूलों से खुशबू चुरा लेती है, जो फूलों से रंग ओढ़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, जिसे देखकर लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, जो कि बहुत सुंदर होती है, पूछो तो जाने। बटरफ्लाई। यस बटरफ्लाई। वाह, नहीं गंदे कर देते हैं कि
वाह, लेकिन मेघा, इस वेंट को पूरा करने के लिए हमें पीली लेस या पीले फीते चाहिए, वरना इसका गेटअप तो अधूरा रहेगा ना। अच्छा, डब्बे में देख पीली लेस है क्या? नहीं है हमारे पास। अच्छा चलो ढूंढते हैं, शायद पीली लेस मिल जाए। हैं? अरे जीजी, पर वो तो उसके लिए। Why this kuyavari kuyavari kuyavari? Hey, what? सारे के सारे चिंदी चोर मोहल्ले में लेसेस भी। भैया चलो भाई, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। भैया भैया एक मिनट। भैया, भाभी, आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। देर भैया, दो चल चल, जल्दी कर जल्दी कर। देखिए आंखें मत खोलिएगा, नो चीटिंग। अरे बाबा, आंख तो बंद करने से ले, बंद कर, बंद करो भाई। अरे भाई बेला, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आंखें खोलता हूँ। भैया भाभी, अब आप दोनों अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसमें क्या सरप्राइज है, मेरे को और तुम? तो तितली है, पहचाना? देखो तो, अरे ये कौन है? अरे ये अपनी नन्नी है। हाँ देखो तो, अरे ये तो प्यारी गुड़िया है हमारी। देखो तो सरोज, कितनी प्यारी लग रही है। नहीं, 10 रुपए दो। हाँ हाँ, लो लो, ये लो। तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे रेनू, तुम आशीर्वाद नहीं दोगी नन्नी को? बेस्ट लक। बेस्ट ऑफ लक दे दिया। चलो चलो, अब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए लेट हो जाएगा वरना। चलो सबको बाय करो। बाय बाय। जल्दी चला लीजिए प्लीज। अरे भैया क्या हुआ? देख रही हूँ मैडम। क्या हुआ भैया? आप दूसरा ऑटो कर लीजिए मैडम, ये तो चालू ही नहीं हो रही है। चल बेटा जल्दी कर। चलो। Thank you.
मम्मी हम पहुंच जाएंगे ना? अभी ना पहुंच जाएंगे। ये क्या है? मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए मैं बटरफ्लाई बनी। अच्छी लग रही। थैंक यू। चलना नहीं, देर हो जाएगी। आप दोनों को कहीं छोड़ दूं? नो थैंक्स, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे यार, मुसीबत में लोग खदे को भी अपना बाप बना लेते हैं। मैं तो फिर भी इंसान। हेलो जी, मिस्टर शुक्ला, सब लोग पहुंच गए जी? बस हम 10 मिनट में आ रहे हैं, प्लीज आप हमारा वेट कीजिए प्लीज। हाँ मम्मी, क्या बोला मैम ने? कुछ नहीं बेटा, 10 मिनट बचे गेट बंद होने में। चल चल, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ना। चल इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? एक मिनट, ये तो मेरे जूते के फीते हैं। तो इन्हें भी अपना ही समझो। मतलब? मतलब मैं बाद में समझाऊंगी, तुम अभी चलो, उसकी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है ना, प्लीज ले चलो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सेम तरह के फीते तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी। प्लीज जल्दी चलो, देर हो रही है। मेरी वजह से देर नहीं हो रही, तुम पहले अगर बाइक पे बैठ गई होती तो अब तक नन्ही स्कूल के स्टेज पे होती। सब्जी की खुशबू तो आज वैसी आ रही है जैसे एक जमाने में आप बनाया करती थी। तो भैया, भाभी ने तो बनाई है, सब्जी नहीं पूरा खाना भाभी ने बनाया। सरोज, आज तुमने कैसे खाना बना दिया? आपकी दोनों बहुओं को तो अपने अपने काम की पड़ी है, तो और कौन बनाता? काम? दोनों बहुओं को? मेघा तो स्कूल गई है और रेनु घर पे है, वो क्या कर रही है? मत पूछिए, रेनु तो जैसे पागल हो गई है। 5,000 रुपए खर्च करके कपड़े धोने वाला साबुन उठा के लाई है। क्या? 5,000 का साबुन? क्यों भाई? कुछ नहीं बाबा जी, उसके सर पर भूत सवार हो चुका है। उसे ऐसा लगता है कि इन साबुन के पैकेटों में से
उसे सोने का सिक्का मिल जाएगा जिसे बेचकर उसे 20,000 रुपए मिल जाएंगे और वो तनु की सीए की फीस उसमें से भर देगी। अपने बेटे को सीए बनाना चाहती है वो। संजय, तनु तेरा बेटा भी तो है ना। देख, तनु अगर सीए की पढ़ाई करना चाहता है तो रेनू क्यों, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसके सपने को पूरा करें। तो भैया, क्या हम सब भी डिटर्जेंट पाउडर खरीदने चले? बिला, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों से जितना बन पड़े उतना तो हम कर ही सकते हैं। अबे यार, तू समझ क्यों नहीं रही है? लो, आ गए आपके घर के चिराग हाथ में मोबाइल फोन लेके, जैसे पूरी दुनिया उसी में बसी हो। मैं कुछ भी करके मम्मी के पास से पैसे निकलवा लूंगा, समझा? देखिए, सीए बनेगा ये, लक्षण देखे हैं इसके? पापा जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी अभी की पढ़ाई भी आज के आज छुड़वा कर उसे नौकरी पे लगवा दूं, ताकि उसे पता चले कि पैसे उड़ाना और पैसे कमाने में क्या फर्क है। संजय, बेटा तनु। अब जी पापा जी। इधर आ। ये बता, तू सीए बनेगा? ठीक, शाबाश। देख, हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन तू बेटा ध्यान लगा के पढ़ना। जी पापा जी। हाँ। थैंक यू पापा जी। hey, कान खोल के सुन ले एक बात, मैं तुझे एक नया पैसा नहीं देने वाला हूँ, समझ गया तू? और तेरी माँ को भी कह देना कि जो पैसे उसने उन साबुन के पैकेट के पीछे खर्च किए हैं ना, कहीं से भी वो पैसे वापस लाए और तेरी सीए की फीस भरे, समझ गया? पापा जी। तो जा, पढ़ाई कर। जी पापा जी। समझा पापा क्या कह रहे थे? अबे यार, ये भी खाली निकला। टेंशन क्यों ले रहा है? कितने पैकेट बचे हैं? देख, दो बच्चे, अब इन दोनों में से किसी एक में से हमारी किस्मत चमकने वाली है, तू देख लेना। और फिर मैं वो 5,000 जो है ना, जो तेरे पापा ने दिए थे, उनके सामने जाकर पटक दूंगी मैं। हाँ। ला दे चंचू। हे प्रभु, मेरी किस्मत तेरे हाथ में, चमका दियो प्लीज। हे भोलेनाथ, एक माँ की पुकार सुन ले। बस ये सोने का सिक्का निकल जाए तो उस तक बियर में नहीं लाऊंगा मैं। अब तुम देखो, तनु तो टेंशन मत ले, ये निकला सोने का। कोई बात नहीं, एक और पैकेट ला दे। इसमें तो पक्की बात है, जय भोलेनाथ। बोल बंटू, निकल जा, राजा। सत्यानाश जाइंट साबुन की फैक्ट्री वालों का, इतने सारे पैकेट खरीदे मैंने, एक सिक्का नहीं निकला और मेरे 5,000 भी चले गए। भगवान, अब मैं क्या करूं? अबे यार, मम्मी ये क्या किया आपने? इतना साबुन खरीद के तो आपने मेरे सीए बनने का सपना ही धो डाला। तनु, सारी, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना तेरी माँ हूँ, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। लेकिन क्या, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे साबुन का मैं क्या करूं? चंचू, देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, आधा साबुन खरीदे, सिर्फ आधा। नहीं, मैं, अरे मैं इतना घटिया पाउडर इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, सुन। तू रहने दे, तेरे इन आइडिया की वजह से मेरे 5,000 डूब गए, मुझे नहीं सुननी तेरी। अरे सुन तो रेनू, सुन तो सही। सच? हाँ, ऐसा हो जाए। कस के पकड़ो,